तो गेम ऑफ स्टोर फैमिली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किंग ऑफ डब्ल्यूबी 2K23 टूर्नामेंट में किंग रोमन को चैलेंज करने वाले ओमनी मैन वन ऑन वन मैच के लिए। और भाई कुछ लोगों का ये कहना है कि एक डार्क लाइव स्ट्रीम के बाद ओमनी मैन की पावर डाउन हो चुकी है और ओमनी मैन अब रोमन को नहीं हरा सकते, जो कि तुम लोगों की गलतफहमी। तो आज ओमनी मैन के सामना करने के लिए आए हैं द रॉक और जॉन सीना। तो चलो नॉकआउट ऑन कर देते हैं और एलिमिनेशन भी एक्चुअली ऑन ही कर दिया जाए। लेकिन रॉक और जॉन सीना ऐसे ही नहीं आए, अपने मल्टीवर्स कैरेक्टर के रूप में आए भाई, सुपर हीरो। हाँ, सुपर हीरो जॉन सीना बने पीस मेकर और रॉक बने ब्लैक एडम। अच्छा, जॉन सीना को ही हरा के ओमनी मैन कंटेंडर बनाया भाई। हाँ तो भाई साहब ये वाली बात भूली नहीं जाएगी, जॉन सीना याद है ना, जॉन सीना ओ और ओमनी मैन मेरे भाई, तुझे को जीतना है, स्क्वॉश करना है भाई। जॉन सीना आज बदला लेगा ओमनी मैन से। रोमन एंजॉय कर रहा है इस मैच को बैक स्टेज में बैठ के। किंग रोमन हाँ, ब्लैक एडम वर्सेस ओमनी मैन मैच चालू हो चुका, क्या खत्म हो गया। अरे भाई साहब ये थप्पर, ये क्या कर रहा है, ब्लैक एडम वर्सेस ओमनी मैन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। और जो लोग बोल रहे थे कि ओमनी मैन की पावर डाउन हो चुकी है, तुम लोगों के मुंह पे ओमनी मैन का एक थप्पड़। ये गलत बात है, कंट्रोलर नहीं लगा हुआ था, ब्लैक एडम को रीमैच मिलना चाहिए, उसका कंट्रोलर नहीं लगा हुआ था। ब्लैक एडम का कंट्रोलर कहां चला गया, वो सब खराब है, PS5 की खराबी, मैं बता रहा हूँ, ब्लैक एडम की गलती नहीं है। और अभी बारी ये पीस मेकर की, जिनका मौका छीन करके, लिटरली उनका मौका छीन करके ओमनी मैन ने, अरे बचा लिया। ये हुआ जॉन सीना जो हेलमेट लग गया भाई, लग गए आप गए, लग गए पीस मेकर भाई साहब, कांड कर देगा ये। अब इसके पास तीनों फिनिशर खत्म हो चुका है, लेकिन पीस मेकर के पास फिनिशर है और इसको रेस्ट इन पीस कर। अरे जॉन सीना पीस मेकर, पीस शांति समझौता, नहीं नहीं इसको रेस्ट इन पीस करेगा। तो भाई रेस्ट इन पीस से याद आया कि थंडर मेकर आ चुका है गेम स्लॉट में, और अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी जाकर के देख लेना। हाँ देख लो प्लीज, जाके देखो यार प्लीज, मैं क्यों बोल रहा हूँ प्लीज, ये जब वीडियो देखोगे तब पता चलेगा तुम लोगों को। तो ठीक है चलो, फिलहाल तो देखते हैं कि जॉन सीना भाई कुछ कांड कर पाते कि नहीं। जॉन सीना कांड करेगा। जॉन सीना याद रखना, इसी के वजह से तुमको रोमन रेंग्स के साथ वन ऑन वन मैच नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़, और पीस मेकर शांति से यहाँ से निकल लेंगे। ओ, फिनिशर बचा लिया, मैं चिल्लाने वाला था कि जॉन ने फिनिशर दे दिया, मैं इसी की बात कर रहा था। और एक धोबी पछाड़ के साथ, नहीं एक फिनिशर बाकी है अभी। मुझे नहीं लगता है कि जॉन सीना जाने के मूड में, ये जो सर पे हेलमेट पहन के आया है ना, ये पक्का भेजेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब ये मैच में मैं इतने कॉन्फिडेंस में था ना, जैसे ब्लैक एडम को एलिमिनेट किया ना इसने, मैं समझ गया कि ओमनी मैन अपने रूप में आ चुका है, अपनी छाती क्यों पीट रहा है। रोमन इनविंसिबल, द आइकॉन, द लेजेंड ओमनी मैन इज हियर। भाई यार हर ब्लैक एडम और जॉन सीना, तो भाई हमारी लाइव स्ट्रीम का वेट करो, जहां पर किंग की गद्दी के लिए किंग रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे ये वाले जिन्होंने इस वीडियो में परफॉर्म करा है। तो भाई साहब जॉन सीना का, रॉक का, सबका बदला लेगा रोमन रेंस जब लाइव स्ट्रीम में होगा, रोमन रेंस वर्सेस ओमनी मैन का किंग थ्रोन के लिए। और भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग किसके तरफ हो, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या था आइकॉन। तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम का इंतजार कीजिए, ताकि लाइव स्ट्रीम में पता चलेगा कि कौन है बड़ा गैंगस्टर, रोमन रेंस या फिर ओमनी मैन। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सुनोगे तो नहीं फिर भी, टाटा गुड बाय, सी यू।